बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जब होते हैं तब वी सॉ की मैकेल एनर्जी का चेंज हो जाता है एंड वी सॉ धिस रिलेशन सो आज थोड़ा और डिटेल में वर्क टन में फ्रिक्शन स्पेशली अपन बात करेंगे और उसके बाद वेरिएबल फोर्स का वर्क डन भी बात करेंगे सो लेट्स टेक अ लुक सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था जस्ट टू क्विकली रिकैप इट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिस्टम के जो भी भीटुट्स uh, है उसके सारे कॉन्स्टिटुएंट्स के काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ठीक है ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑलसो राइट इट एज वर्क डन माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिस टी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी So, जब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलरेडी सॉ दैट तो आज अपन वर्क डन में फ्रिक्शन देखेंगे सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ विन एग्जाम्पल इट सेल्फ सो सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है दैट इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच तो ये जो कर्व्ड पाथ है वो स्मूथ है जो हॉर्जोंटल पोर्शन है वो रफ है उस पर फ्रिक्शन म्यू दिया को ठीक है सो so इसको रिलीज कर दिया एंड देन इट द स्लाइड डाउन एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट तो पूछा है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑन द हॉर्जोंटल पोर्शन टिल इट कम्स टू रेस्ट ठीक है तो इसमें वन वे इज टू फिगर आउट कि कितना स्पीड होगा एट दिस पॉइंट देन यू कैन राइट वर्क एज ए थियरम और यू कैन इवन यूज कैनेमैटिक्स इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिस्टन्स ट्रैवल टेट कम्स टू रेस ठीक है हाउ एवर वर्क इन यू थियरम और इवन दिस इक्वेशन गिव्स अस अ वे टू क्विकली कैलकुलेट द डिस्ट ट्रैवल बट डायरेक्टली राइटिंग वर्क इन यियरम या दिस इक्वेशन फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन बीच में कुछ अपने को इंटरमीडिएट स्टेप करने की जरूरत है नहीं सो इफ आई राइट वर्क इन यू थियरम फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन डायरेक्टली लिखता हूँ

तो उसमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा इक्वेशन यूज होगा नॉट नीडेड वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट दिस ठीक है यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन जब स्प्रिंग्स वगैरह आते हैं एंगल वगैरह पर रहते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्क वर्क थी नम वी सॉ वर्क डन माई स्प्रिंग इज डिफिकल्ट टू राइट वेन द स्प्रिंग्स आर ऑल एट एन एंगल एंगल भी चेंज हो रहा है तो वर्क डन माई फोर्स की जगह अपन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं सो दैन दिस इक्वेशन कम्स इन टू पिक्चर दिस विल भी मोर यूजफुल वैसे तो दोनों से थियोरेटिकली आ जाएगा बट दिस विल बी मोर यूजफुल सो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग दिस रिलेशन एज वेल फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन वर्क डन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना है ना वर्क डन है फ्रिक्शन यहाँ से आप पूरा फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है इतने में तो कुछ है ही नहीं बस इतने में है दैट इज माइनस मे एम जी एस शुड बी गो डू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी फाइनल अगर मैं ग्राउंड पे ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूँ ग्रेविटी का

So, मेरे पास एक इंक्लाइन ट्रैक है एंड देन एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है थर्टी डिग्रीज और एक ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया फ्रॉम अ हाईटेच ठीक है पूरे ट्रैक पे क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन म्यू है फाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट ठीक है तो इसको रेस से रिलीज कर दिया लेट मी राइट दैट तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल है टिल इट कम्स टू रेस्ट ओके केयरफुली करो देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन ऑलराइट सो फिर से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखता हूं तो सी यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये h हाइट है तो ये 2h बन जाएगा करेक्ट लेट्स से ये डिस्टेंस कुछ s है ऑलराइट right, तो मुझे चाहिए एस प्लस टू एच राइट तो फ्रिक्शन फोर्स आई एल राइट वर्क करिए थेरम तो मुझे वर्क डन एफ फ्रिक्शन चाहिए वर्क डन में ग्रेविटी चाहिए वर्क डन में ग्रेविटी तो सिंपल है एम जी इंटू एच ऊपर से नीचे आ रहा है ठीक okay. है यहाँ पे वो रेस्ट पर आ गया वेलोसिटी जीरो हो गया उसका तो ग्रेविटी तो नीचे हाइट टेच नीचे आया ब्लॉक तो फिर ग्रेविटी का वर्क डन तो सिंपल है पॉजिटिव एम जी एच वर्कडम ऑफ फ्रिक्शन के लिए थोड़ा केयरफुली करना बिकॉज यहाँ पर जो फ्रिक्शन है और यहाँ पे फ्रिक्शन वो अलग अलग है यहाँ पर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा थर्टी करेक्ट और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी म्यू एम जी है ना यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थर्टी सो दैट फॉर वर्क फ्रिक्शन वुड बी पूरा नेगेटिव होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन है फ्रिक्शन अप द दाइन है कनेक्टिव फ्रिक्शन सो वन सेकेंड एंगल वन एटी डिग्री तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थर्टी मतलब रूट थ्री बाई टू इंटू टू एच टू एच ट्रेवल करे वो और यहाँ पर दोनों का एडिशन शुड इनिशियली रेस्ट पर है फाइनली भी रेस्ट पर है तो चेंज इन कनेक्टी जीरो माइनस म्यू एम जी रूट थ्री एच टू टू कैंसिल हो गया माइनस म्यू एम जी एस शुड बी जीरो ठीक है तो यहां से मेरे पास एस का वैल्यू आ गया एस का वैल्यू देखो कितना आ रहा है एच इन वन माइनस म्यू रूट थ्री डिवाइड बाई म्यू ये आ रहा है एस का वैल्यू करेक्ट ना यू मै वंडर ये एस नेगेटिव हो सकता है क्या यहाँ पे देखो इफ इफ म्यू का वैल्यू मैंने दिया नहीं ना इफ दिस इज़ नेगेटिव मतलब इफ म्यू इज सच दैट इट इज़ ग्रेटर देन वन बाय रूट थ्री तो फिर तो वो ब्लॉक वैसे भी स्लिप ही नहीं करेगा सोचो इफ म्यू इज़ इट इज़ अंडरस्टूड हियर दैट म्यू इज़ लेस देन वन बाय रूट थ्री बिकॉज इफ़ म्यू इज़ ग्रेटर देन टैन थर्टी basically mg sin 30 if it is lesser बेसिकली एम जी साइन थर्टी इफ इट इज लेसर देन म्यू एम जी कॉस्ट थर्टी मतलब so, block slip so uh, वो वाला केस अपन डीली नहीं कर रहे सो वी आर ऑब्वियसली डीलिंग विथ म्यू लेस वन बायट थ्री हाँ तो ये S आ गया म्यू लेस वन बाय थ्री भी एज पॉजिटिव हो जाएगा as expected और uh, Uh, मुझे क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस ना तो एस प्लस टू एच फिली माई आंसर ठीक है वो ऐड तो तुम खुद ही कर सकते हो राइट आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है जस्ट केयरफुली अपने को वर्क नंबर फ्रिक्शन लिखना देख लो एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अभी स्प्रिंग्स इन्वॉल्व करते हैं सो आई हैव अ स्प्रिंग ये ब्लॉक है नेचुरल लेंथ पर इनिशियली इसका वेलोसिटी वी नॉट दे दिया और क्वशन ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है तो यहां पे जाके कुछ रुक जाएगा मोमेंटरली वापस आएगा ठीक है तो ये मुझे लेट से एक्स नॉट मुझे निकालना है राइट सेले राइट द इक्वेशन तो यहाँ पे स्प्रिंग्स के केस में आई प्रेफर टू राइट वर्क डन माई ऑन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिखना काफी इजी है रिमेंबर स्प्रिंग का पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क् वे एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन मेजर फ्रॉम द नेचुरल लेंथ तो यहाँ पर लेट मी राइट वर्क डन माई फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो वर्क डन में फ्रिक्शन कितना हो जाएगा अगर वो डिस्टेंस एक्स नॉट ट्रेवल कर रहा है तो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट करेक्ट म्यू एम जी लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट राइट में शुड बी गोल चेंज मैकेनिकल एनर्जी ओके सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का रहेगा कितना रहेगा फाइनली हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस दिस इज द फाइनल टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियली

उसका एन प्रेजेंट करो सो ब्लॉक को या स्प्रिंग uh, को नॉट से एक्सटेंड करके रिलीज कर दिया ठीक है ग्राउंड uh, पे क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन म्यू है पूछा है फाइन कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग टू रेस्ट व्हेन द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट फर्स्ट टाइम तो इसको रेस्ट से रिलीज किया वो जाएगा दूसरे लेफ्ट साइड पे कहीं लेफ्ट साइड पे कहीं रेस्ट पर आके वापस ऐसे थोड़ा ऑसलेट करेगा इट कम्स टू परमानेंट रेस्ट ठीक है सो स्प्रिंग के दिया हुआ राइट आउट ठीक है तो नेचुरल लेंथ के सपोज लेफ्ट पे दिस इज माई एक्स वन बोलता हूँ दिस इज माई कंप्रेशन ठीक है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है सो इनिशियली स्टेट वॉज हियर एट एक्स नॉट एंड एक्स नॉट से वो एक्स वन पे गया नॉट एक्सटेंशन से एक्स वन कंप्रेशन पे गया राइट सो लेट मी जस्ट वन सेकेंड राइट डाउन वर्क डन माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी तो वर्क डन माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो एक्स वन प्लस एक्स नॉट है ना मुझे एक्स वन निकाल तो एज द ब्लॉक ट्रेवल्स टेफ्ट द फ्रिक्शन एक्स टू द राइट सो कितना हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू

बस ये सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करने का तरीका भी काफी इजी है बिकॉज यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स नॉट एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा ना देखो म्यू एम जी माइनस साइन राइट हैंड साइड पर लेके जाता हूँ राइट ये कैंसल हो जाएगा सो देयर फॉर आई है एक्स वन एस एक्स नॉट माइनस टू म्यू एम जी बाय के ठीक है सो दिस इज द डिस्टेंस दैट द ब्लॉक विल ट्रेवल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेचुरल लेंथ सो दिस इज बेसिकली द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग टिल द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू कैन सी वो कॉन्स्टेंट अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है सो वॉट इज हैपन इज कि इसके लेफ्ट साइड पर जाएगा एक्स वन से जाएगा कंप्रेस होगा फिर अभी वापस एक्सटेंड होगा वो एक्सटेंशन कितना होगा एक्स वन हो माइनस टू म्यू एम जी बा इस अमाउंट से कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा टिल इट कम्स टू परमानेंट रेस्ट

तो ऐसा ऑसलेक्ट कर कर करके अल्टीमेटली इट विल कम टू रेस्ट सो तो वॉट इज द कंडीशन फॉर परमानेंट रेस्ट वो मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा डिस्कस करते हैं उसके बाद आई लीव इट अप टू यू टू सॉल्व द क्वेश्चन सो फॉर परमानेंट रेस्ट परमानेंट रेस्ट मतलब क्या वेलोसिटी जीरो है और उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा तो फिर ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा सचो अगर वेलोसिटी जीरो हुआ किसी इंस्टेंट पे बट उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है तो वापस वेलोसिटी आ जाएगा वापस ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा द इंस्टेंट वैन वेलासिटी जीरो एक्सलेशन इज ऑल्सो जीरो कम्स टू रेस्ट तो उसपे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा सपोज स्प्रिंग कंप्रेशन में जस्ट बोल रहा हूं एक्सटेंशन में भी हो सकता है सपोज उस इंस्टेंट में स्प्रिंग कंप्रेशन में तो के एक्स फोर्स ऐसे लगेगा करेक्ट इफ के एक्स इज नॉट एबल टू ओवरकम द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन

कि uh, x का वैल्यू कितना हो सकता है एक्स इज द कंप्रेशन और एक्सटेंशन डज डजन मैटर एंड वी ऑलरेडी नो एक्सटेंशन कंप्रेशन कैसे चेंज होगा फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम ठीक है सो यू कैन यूज दैट रिजल्ट एंड ट्राई करो दे सोल्यूशन इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन ट्राई इट आउट देन सी इफ यू वॉटर राइट करेक्ट ओके सो वी ऑलरेडी सॉ दैट अगर ब्लॉक एक्स नॉट से रिलीज कर दिया है तो एक्स वन पर जाके मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा एंड एक्स वन इज एक्स नॉट माइनस टू म्यू एम जी बाई के तो इस वैल्यू से वो डिक्रीज करता जाएगा कंप्रेशन एक्सटेंशन कंप्रेशन द वैल्यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग की दिस फिक्स्ड अमाउंट हाउ मच इज दैट अमाउंट हाउ मच इज टू म्यू एम जी बाई के लेट्स कैलकुलेट दैट म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है पॉइंट फोर बोलना चाहिए था मुझे म्यू का वैल्यू ठीक है सो टू इंटू पॉइंट फोर इंटू मास कितना वन के जी को टेन डिवाइड बाई के इज हंड्रेड मीटर ठीक है तो ये आ जाएगा एट सेंटीमीटर करेक्ट एंड फॉर परमानेंट रेस्ट एक्स शुड बी लेस देन इक्वल न्यू एम जी बाई के विच शुड बी फोर सेंटीमीटर तो इफ एक्स इज लेस देन इक्वल डू फोर वेलोसिटी इज जीरो तो वो परमानेंट रेस्ट पर आ जाएगा ठीक है सो लेट सी वॉट हैपन्स पहले तो ब्लॉक विल ट्रेवल ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर्स टू कम टू द नेचुरल लेंथ वो दिया हुआ है फिर 27 सेवन माइनस एट नाइनटीन सेंटीमीटर्स कंप्रेस होगा स्प्रिंग वापस ब्लॉक 19 ट्रैवल करेगा टू गेट टू द नेचुरल लेंथ फिर 19 माइनस एट एलेवन सेंटीमीटर्स फिर वापस 11, और फिर 11 माइनस एट थ्री थ्री पे वेलोसिटी जीरो होगा उसके बाद मूव करेगा क्या नहीं? बिकॉज थ्री इज लेस एन गोलो फोर सो दिस इज द पॉइंट वेर द ब्लॉक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते ट्वेंटी सेवन प्लस इंटू टू प्लस इलेवन इंटू टू प्लस थ्री ठीक है तो ये आ जाएगा नाइन्टी सेंटीमीटर्स ऑन राइट इट्स अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन एडवांस टफ लेवल क्वेश्चन बट इफ यू फॉलो द मेथड तो उतना कुछ डिफिकल्ट तो ऐसा नहीं है बट इट्स डिफरेंट इट्स वो टफ हो जाता है देख लो लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम पाथ फाइंडर तो क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास एक स्प्रिंग है एक ब्लॉक एम वन पुलिस से कनेक्टेड है के ऊपर से कनेक्टेड है टू ब्लॉक एम टू स्ट्रिंग रेस्ट से रिलीज किया है, है, पूछा है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स ठीक है तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स पूछा हुआ है तो इसमें बस एक चीज है दैट वन थिंग दैट वी सॉ इन आर प्रीवियस लेक्चर्स मैक्सिमम स्पीड कब आता है मैक्सिमा मतलब डेरिवेटिव जीरो मतलब एक्सलोशन जीरो ठीक है और तुम तो ऐसा भी सोच सकते हो कि ये पहले एक्सलरेट करेगा मैक्सिमम स्पीड पहुंचेगा वंस द एक्सरेशन बिकम्स जीरो एंड देन नेगेटिव पहले एक्सेशन डाउनवर्ड था एट वन पॉइंट इट विल बिकम जीरो एंड देन इट विल बिकम अपवर्ड्स अपवर्ड द स्पीड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग ठीक है द ब्लॉक्स विल स्टार्ट डीलेटिंग राइट सो जस्ट राइट आउट पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है बट इतना डिफिकल्ट तो ऐसा है नहीं तो ट्राइट आउट देन टेकना सोल्यूशन ओके सो आई एम गोइंग टू राइट पहले तो मुझे पता है कि एक्सोलेशन जीरो है मैक्सिमम स्पीड पे करेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड में एक्सोलेशन जीरो तो उसमें एक्सटेंशन निकल जाएगा कैसे क्योंकि अगर एक्सोरेशन जीरो है मतलब टेंशन एम टू जी के बराबर हो गया और अगर टेंशन एम टू जी के बराबर हो गया तो इस ब्लॉक पे सी एम टू पे तो मुझे पता है कि एक्सलरेशन जब जीरो है तो टेंशन एम टू जी के बराबर हो गया और वही टेंशन एम वन पे भी लगेगा सो so, एम वन पे टेंशन लग रहा है कितना एम टू जी एक म्यू एम वन जी और एक के एक्स एक्स नॉट बोलता हूं एक्स नॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम तो एक बैलेंस कर दूंगा ना मैं कितना आ जाएगा मेरे पास आई uh, है तो ये मेरा कंडीशन हो गया एट द इंस्टेंट वेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम अच्छा एक्स नॉट इज द एक्सटेंशन और राइट अभी उस मैक्सिमम uh, स्पीड को एक्चुअली निकालने के लिए मैं कैसे करूंगा वर्क एनर्जी right, थे रहूं? या फिर आई कैन राइट वर्क द माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी वही चीज अपन कर रहे हैं इस चैप्टर में तो लेट मी राइट द सेकंड इक्वेशन वर्क द माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क द माई फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा न्यू एम वन जी और ये ब्लॉक कितना आगे ट्रेवल किया एक्स नॉट करेक्ट सो माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स नॉट शुड बी टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करेक्ट सो ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हो रहा है m2 टू कितना नीचे गया एक्स नॉट अगर ये ब्लॉक एक्स नॉट गया राइट right में तो ये एक्स नीचे गया तो ग्रविटी का पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हुआ कम हुआ है कि बढ़ गया कम हुआ है नीचे गया कितने से एक्स तो कितने से चेंज हुआ है माइनस एम टू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी

तो हो गया यार एक्स नॉट का वैल्यू पता है इसी क्वेश्चन से यहाँ पर डाल के भी आ जाएगा नॉट जस्ट अ लिटल बिट ऑफ जिप्रा तो यहाँ पे आई नो कि के एक्स नॉट की एक्स नॉट का वैल्यू इज एम टू जी माइनस म्यू म्यू एम वन जी डिवाइड बाई के है ना तो इसको थोड़ा सा केयरफुली करेंगे सो so, यहाँ पे देखो लेट मी जस्ट टेक दिस क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी माइनस के एक्स नॉट बाई टू और एक्स नॉट कॉमन ले रहा हूँ तो कैन यू सी कि के एक्स नॉट इसवल टू एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी है ना वो यहीं पे आ जाएगा जैसे एम टू जी माइनस म्यू एम एन जी माइनस सेम थिंग बाय टू तो ये बन जाएगा एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी बाय टू हो गया थोड़ा सा एल्ज्रिक मैनिपुलेशन था और आ गया मेरा स्पीड यहाँ पे एक्स नॉट पे आ जाएगा ठीक है तो एक्स नॉट का हम लोग फिर से एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी बाई एक्स नॉट बाई के लिख देंगे तो आई विल गेट एम टू माइनस म्यू एम वन स्क्वायर आ जाएगा ना बिकॉज एक्स नॉट में भी वही है एम टू माइनस म्यू एम वन जी जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के बाई के टू टू कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू दिस एंटायर थिंगी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रोट वो बी वी ठीक है

एक ब्लॉक है यहां पर दिस हाइट इज एच दिस लेंथ इज एल सो वी वांट टू पुल इट विथ अ फोर्स सच दैट बेसिकली पूछा गया फाइंड द वर्क डन वर्क रिक्वायर्ड टू पुल इट स्लोली टू द टॉप ऑफ द ट्रैक इसको स्लोली पुल कर रहे हैं

ब्लॉक यहां पर है तो उसको मैं जूम इन करके बता बना रहा हूं तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा एक ग्रेविटी लगेगा एक फ्रिक्शन लगेगा एंड ऑफ कोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा करेक्ट तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा एम जी करेक्ट ग्रेविटी का कंपोनेंट का बैलेंस करेगा यहां पर बिकॉज आर पुलिंग स्लोली सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड स्लोली एक तो है कि चेंजर एनर्जी जीरो है और दूसरा है कि जब एक कर्व सरफेस पे वेलोसिटी अगर सपोज ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका कुछ फाइनाइट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता रहेगा ना डायरेक्शन तो फिर एक एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी आ जाएगा ठीक है इन दैट केस में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लिख पाऊंगा इसलिए स्लोली है क्योंकि देर इज नो वेलोसिटी नेग्लेजिबल तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी निग्लेजिबल है ठीक है ओके सो ये ये चीज़ अपन और सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके सो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा करेक्ट कनेटिक फ्रिक्शन तो वर्क डन में फ्रिक्शन कितना हो जाएगा सी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट को जो डी एस है और फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में करेक्ट सो वर्क डन डरम फ्रिक्शन वुड बी माइनस एफ डी एस इंटीग्रल माइनस म्यू एम जी

ठीक है सो अ वेरी नाइस रिजल्ट हियर कि वो कर्वेचर मैटर नहीं करता कैसा भी कर्व हो जाए फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही आएगा इस केस में व्हेन यू आर पुलिंग इट स्लोली ऑलराइट ओके सो हो गया वर्क डन फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी अलग है गया हो गया हो गया द एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम बिकम्स म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच ठीक है वेरी नाइस क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो

एम टू ठीक है केयरफुली क्वेश्चन देखो अपने को एम वन पे फोर्स लगाना है मूविंग इसका मतलब क्या एम टू पे जो स्प्रिंग फोर्स है दैट शुड एक्सीड द स्टैटिक फ्रिक्शन और दैट शुड जस्ट रीच इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन करेक्ट एंड मिनिमम फोर्स पूछे सो वी विल गिव आर सेल्व द बेस्ट चांस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द स्प्रिंग फोर्स विच विल बी एट मैक्स एक्सटेंशन सॉरी मैक्स कंप्रेशन यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग राइट सो ट्राई इट आउट करना सोल्यूशन ओके सो एम टू पे क्या फोर्स लगेगा के एक्स एंड म्यू एम टू जी इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन सो आई शुड हैव के एक्स शुड जस्ट बी इक्वल टू म्यू एम टू जी फॉर ब्लॉक एम टू टू स्टार्ट मूविंग ठीक है अच्छा और ये जो एक्स है दैट शुड बी मैक्स कंप्रेशन वाइट बिकॉज तभी तो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा स्प्रिंग अपने को मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स चाहिए सो दैट वी हैव टू गिव आर सेल्फ द बेस्ट चांस ऑफ पुशिंग एम टू मतलब वी हैव टू मेक श्योर द स्प्रिंग इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन सो दिस इज नथिंग बट मैक्स एक्सटेंशन एंड मैक्स एक्सटेंशन पे मुझे पता है वॉट इज हैपन इज कि विल मूव एंड मैक्स एक्सटेंशन सॉरी मैक्स कंप्रेशन स्प्रिंग तो कंप्रेस हो रहा, ना? रहा है ना पुश कर रहे हैं अपन तो एम वन विल स्टार्ट टू मूव एंड मैक्स कंप्रेशन पे स्प्रिंग फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि इट विल जस्ट बी एबल टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑन एम टू ठीक है सो एट मैक्स कंप्रेशन एम टू तो मूव कर ही नहीं रहा है. M2 वैसे का वैसा किया बट एट मैक्स कंप्रेशन एम वन का वेलोसिटी जस्ट जीरो मैक्सिम कम्प्रेशन ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो और, और कंप्रेस हो जाएगा सोचो सो <coughs> so, ये जो एम वन था ओरिजिनली वो कितना मूव किया एक्स इतना स्प्रिंग कंप्रेस हो गया ठीक है तो कैन आ राइट वर्क इन यियरम और लेट मी राइट वर्क डन बाय लेट मी राइट वर्क इन यियरम ऑन एम वन सो कैन आ राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा एफ इन टू एक्स और क्या क्या फोर्स लग रहा है एक स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन एंड स्प्रिंग फोर्स व्हाट अबाउट वर्क डन एफ फ्रिक्शन इस ब्लॉक एम वन को राइट right में कुछ करो तो फ्रिक्शन तो लेफ्ट में लगेगा सो माइनस म्यू एम वन जी इंटू एक्स शुड बी जीरो हुआ बिकॉज इनिशियली भी रेस्ट पता है और फाइनली मैक्स कंपेरिशन में भी वेलोसिटी जीरो है ठीक है और मुझे एक्स का वैल्यू तो पता ही है के एक्स एस म्यू एम टू जी बस हो गया सो सी एम फोर्स वुड बी हाफ के एक्स प्लस म्यू एम वन जी

मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए मुझे फॉर मैक्सिमम फोर्स स्प्रिंग फोर्स का के लिए मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए मुझे तो मैक्सिमम कंप्रेशन में वेलोसिटी जीरो होता है सो कीप दैट इन माइंड बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक सम ऑफ यू हुर वॉचिंग दीडियो एंड ट्राइंग द्वेशन आउट माइट ऑल्सो हेम मेड इट ओके देख लो ना वर्क डर में फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं वेन बोथ द सर्फेसिस तो जैसे कि मेरे पास सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आई है टू ब्लॉक सिस्टम तो ब्लॉक वन का डिस्प्लेसमेंट एस वन हुआ है ब्लॉक टू का डिस्प्लेसमेंट एस टू हुआ है लेट्स कैलकुलेट द वर्क डाउन लेट ए लेट मी अज्यूम एस वन इज ग्रेटर देन एस टू तो वन इज गोइंग फास्टर देन टू सो इसके बीच अब फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा तो so लेफ्ट में लगेगा वन पे और ब्लॉक टू पे राइट में लगेगा करेक्ट बिकॉज टू के रिलेटिव वन का डिस्प्लेसमेंट राइट पर है तो वर्क डाउन में फ्रिक्शन कैसे लिख सकता हूँ टोटल वर्क वर्कडाउन में फ्रिक्शन और नॉट ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक्स बट टोटल ऊपर वाले पे कितना होगा माइनस एफ के इंटू एस वन और नीचे वाले पे प्लस एफ के इंटू एस टू अगर मैं माइनस एफ के कॉमन ले लूँ एफ के लू काइनेटिक फ्रिक्शन तो क्या बन जाएगा एस वन माइनस एस टू वट इज दिस यू कैन सी दैट दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो एस वन रिलेटिव टू आ गया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया इसका मतलब क्या वॉट डज द स्टेटमेंट मीन इस स्टेटमेंट मीन्स कि तुम कोई भी फ्रेम में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करो यू विल ऑलवेज एंड अप विद एस वन वन एस एस टू ना एस वन एस टू इंडिविजुअुअली में डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो बट उनका डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल एस अ क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन हु इज द ऑब्जर्वर करेक्ट टू के रिलेटिव टू तो वन जितना डिस्प्लेस किया उससे ऑब्जर्वर तो से क्या लेना देना

एंड दैट मीन्स कैनेटिव फ्रिक्शन विल ऑलवेज कॉस मैकेनिकल एनर्जी टू डिक्रीज पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगा यहाँ पे वर्क डर में कैनेटिव फ्रिक्शन इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे पॉजिटिव हो सकता है बट ओवरऑल हमेशा नेगेटिव होगा ठीक है एंड ये जो है इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट ऑल्सो मेक सेंस इफ यू रिकोगनाइज कि जो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है सो

नो इंट्रैक्शन तेरी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल एजेंट अगर एक्सटर्नल फोर्स स्टार्ट डूइंग वर्क तो ऑफकोर्स वो सिस्टम का एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा बट एन आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा बट एनर्जी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मैकेिकल एनर्जी हीट एनर्जी साउंड लाइट जो भी तो यहाँ पर वॉट फ्रिक्शन डस फ्रिक्शन के कारण मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाता है एंड देट कैट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी ठीक है एंड दैट इज माई इट मेक्सेंस कि इट इज डिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हीट तो सेम ही होना चाहिए ना मतलब कितना एक बॉडी गर्म हो रहा है दट शो नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मेक्स फिजिकल सेंस एंड मैथामेटिकली ऑल्सो वी कैन शो दैट वट अवर स्ट्रैटिक फ्रिक्शन स्ट्रटिक फ्रिक्शन में बस यहाँ पर डिस्प्लेसम दोनों का सेम ही रहेगा ना तो यार वो एफ के जगह स्ट्रैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा बट दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा बिकॉज दे आर नॉट स्लाइडिंग तभी तो स्ट्रैटिक फ्रिक्शन लगेगा

सो so, <coughs> क्या है मेरे पास एक बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट है इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड उस पर एक ब्लॉक रख दिया इज उसको ग्राउंड फ्रेम में टेन मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में जा रहा है ब्लॉक और उसको हम ने जेंटली रख दिया बेल्ट पर ठीक है तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन लगेगा क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट फाइव दिया हुआ है सो so, अल्टीमेटली वो फ्रिक्शन uh, लग के अल्टीमेटली स्लिपिंग विल स्टॉप द ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक विल अल्टीमेटली एक्वायर द द सेम वेलोसिटी एज बेल्ट इन द सेम डायरेक्शन ठीक है क्या पूछा हुआ है फाइंड व वर्क डन फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन द ग्राउंड फ्रेम एंड इन द बेल्ट फ्रेम तो दोनों फ्रेम में अलग अलग वर्क जो फ्रिक्शन करेगा ब्लॉक पे वो निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट इन द ग्राउंड फ्रेम एंड फाइंड द डिस्टेंस लेड बाय द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ठीक है सी आफ्टर आफ्टर द ब्लॉक एक्वायर्स द वेलोसिटी एज एज सेम द बेल्ट उसके बाद स्लिपिंग विल स्टॉप दिल मूव टुगेदर ग्राउंड फ्रेम में ठीक है तो ट्राई इट आउट देन टेक अ एंड सॉल्यूशन

वर्क डम ए फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज जीरो ग्राउंड फ्रेम में जीरो वॉक किया। ऑल राइट अच्छा फिर वट अबाउट वर्क डम्शन इन द बेल्ट फ्रेम बेल्ट के फ्रेम में जाऊं मैं। तो ब्लॉक को कितना वेलोसिटी है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अल्टीमेटली बेल्ट के फ्रेम में वो रेस्ट पर आ जाएगा डिसलरेट करेगा 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 रेस्ट पर आ जाएगा बेल्ट इसल फ्रेम ठीक है

फाइन द वर्क डन बा फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट अभी बेल्ट पे फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा है इन द ग्राउंड फ्रेम सो नाउ बेल्ट पे जो फ्रिक्शन पूछा है उसका वर्क डन पूछा है आई कैनोट राइट वर्क डन बाजेंज इन कनेक्ट एनर्जी ऑफ द बेल्ट क्यों क्योंकि देर इज समथिंग एक्सटर्नल मोटर वोटर कुछ तो होगा ना विच इज सप्लाइंग एनर्जी टू द बेल्ट विच इज डुइंग वर्क ऑन द बेल्ट करेक्ट नहीं तो बेल्ट भी डिसलेट करेगा सो देर फोर वी कैनॉट राइट वर्क ऑन द बेल्ट हाउ पर टोटल वर्क डर में फ्रिक्शन सेम होता है कोई भी रेफरेंस फ्रेम में सो so, कहां पर मुझे मिला बेल्ट के फ्रेम में वर्क डन में फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक मिल गया बेल्ट के फ्रेम में बेल्ट पे वर्क कितना होगा जीरोज बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना तो टोटल वर्क डर में फ्रिक्शन ऑन इन द बेल्ट फ्रेम यही हो गया सोचो नेटवर्क बाय फ्रिक्शन फिर बेल्ट के फ्रेम में टू हंड्रेड जूल्स ही हो गया बिकॉज बेल्ट के फ्रेम में सिर्फ ब्लॉक पे ही वर्क करेगा फ्रिक्शन, बेल्ट तो स्टेशनरी। अब ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है किस mein, why? Because हर है, किस फ्रेम फ्रेम में, में हर सेम होता वर्क पार्ट ऑफ क्वेश्चन ब्लॉक पे वर्क कितना जीरो पूरा वर्क ग्राउंड फ्रेम में किस पे हुआ रहेगा बेल्ट पे सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट इज माइनस टू हंड्रेड जूल्स इन ग्राउंड फ्रेम ठीक है सो दिस इज अ वेरी नाइस एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट दैट वी फाउंड कि टोटल वर्क डॉम ए फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है नहीं तो फिर अपने को ग्राउंड फ्रेम में बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो सब कुछ करने की जरूरत है नहीं राइट आई होप यू अंडरस्टूड बेल्ट के फ्रेम में सिर्फ ब्लॉक पे वर्क होता है और ग्राउंड फ्रेम में सिर्फ बेल्ट पे वर्क हो रहा है बिकॉज ब्लॉक पे टोटल वर्क जीरो अपन ने देख लियो हो गया और कौन सा और क्या पूछा फाइनल डिस्टेंस लेड बाय द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ये तो सिंपल है यार ये तो अपने को ये पता चल गया ना बेल्ट के फ्रेम में वर्क द मै फ्रिक्शन इज माइनस टू हंड्रेड तो कहना जस्ट राइट माइनस टू हंड्रेड इसी को डू माइनस म्यू एम जी इंटू एल एल इज द डिस्टेंस इसके फ्रेम में बेल्ट के फ्रेम में इस पे म्यू एम जी लग रहा है और ये डिस्टेंस एल ट्रैवल करता है

Uh, very important lecture in the foundation of Pure Mechanics. Ka foundation here, right here in this chapter. So, I hope you've understood, and uh, that's it for today. I'll see you again, and I'll see you at the top. Good night.